बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एसओजी मुख्यालय से जुड़ी इस वक्त की खबर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 परीक्षा पेपर लीक मामला और मामले में चार और ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए। हरिओम पाटिल। मैं उत्साहित कार्यकर्ताओं में संकल्प की धारणा दे रही हूं। इस बार 400 पार का संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया है और इसीलिए केंद्र में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों के अंदर भी एक दूसरे के लिए प्यार है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में प्यार है। ये सबसे बड़ी चीज है। प्यार नहीं होता तो कुछ नहीं होता भाई। आज राजनीति मैंने आप लोगों से कर ली, कल किसी और से करूंगी तो रिश्ता तो बनता ही नहीं है, रहता भी नहीं है। उसको दृढ़ रखने के लिए कभी कभी मैं कहती हूँ आओ झालावाड़ बारा और देख लो, हम लोग लड़ते भी हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में बात भी करते हैं, चिकित्सा शिक्षा सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की समझाइश के बाद एक सप्ताह से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल रविवार शाम को समाप्त हो गई। सिंह ने व्यापक जनहित एवं निलंबित रेजिडेंट चिकित्सकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों के साथ समझाइश की। इसके बाद रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए। हालांकि हड़ताल जारी रखने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। बीकानेर में बीजेपी की तरफ से भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल सहित स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संबोधन में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि देश में असमानता को दूर करेंगे। 112 बार ऐसी योजना है जो सामाजिक आर्थिक असमानता वो दूर कर रही है। इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी के संकल्पबद्ध की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। मैं आपके माध्यम से जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के आदर्शों पे
चलने का जो दृढ़ संकल्प किया उसके कारण ही 112 योजनाएं इस देश में पिछले 10 वर्षों में आई है, जो भारत में सामाजिक असमानताओं को दूर कर रही है, सामाजिक समानता ला रही है, आर्थिक असमानता को दूर कर रही है, आर्थिक समानता ला रही है। केंद्र में पिछली सरकारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, ये कहना है प्रदेश के मुखिया बच्चनलाल शर्मा का। रविवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा ने झालाना डोंगरी स्थित अंबेडकर भवन स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए बात कही। इससे पहले सीएम ने अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो संकल्प है वो हमारा दस्तावेज है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप यकीन मानिए हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र पर पूरी तरह से काम करेंगे और इस देश के आवाम का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के आभारी हैं कि आज वो इस संस्था के प्रांगण में पधारे और बाबा साहब के जन्म दिवस पे उन्होंने बहुत तन्मयता से अपना भाग लिया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा के नेतृत्व में राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर के मनु की प्रतिमा से उच्च न्यायालय सर्किल तक अंबेडकर की प्रतिमा तक अधिवक्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली गई। यात्रा प्रारंभ करने से पहले छाबा के उच्च न्यायालय कार्यालय में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। छाबा ने मनु की प्रतिमा के समक्ष अधिवक्ताओं को भारत की संस्कृति में मनु और अंबेडकर के महत्व को समझाते हुए कहा कि हम सभी को राष्ट्र को मजबूत और विकसित करने की दिशा में एक साथ कदम ताल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत शहर को अपनी खोई साख लौटाने के उद्देश्य से अब निगम शहरवासियों के सहयोग के साथ 60 दिन का स्पेशल कैंपेन चला रही है, जिसके तहत जलाशय और टूरिज्म प्लेस की साफ सफाई और प्रत्येक वार्ड में सुबह 7 बजे से अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग शुरू की गई है। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम को IEC एक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सिटीजन फीडबैक को लेकर हर बार पिछड़ते जा रहे जयपुर में इस बार सिटीजन्स को साथ लेकर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू की गई है। हेरिटेज नगर निगम ने 2 महीने का पूरा एक्टिविटी स्केड्यूल बनाया है। इसके तहत निगम क्षेत्र के निवासियों, NGO, बच्चों और स्वच्छता से जुड़ने वाले लोगों को साथ लेकर श्रमदान किया जा रहा है। जल महल की पाल और ताल कटोरा पर श्रमदान कर इसकी शुरुआत की गई। इस संबंध में हेरिटेज निगम एडिशनल कमिश्नर रौनक बैरागी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों को इस्तेमाल करते हुए वाटर बॉडीज की मैकेनाइज्ड क्लीनिंग अभियान की शुरुआत हुई है। लगभग 2 महीने का हमने पूरा शेड्यूल बनाया है। जिस तरीके से वार्ड वाइज इंचार्ज नियुक्त हुए हैं, उसी तरीके से गतिविधियां भी हमने पहचानी है कि इन गतिविधियों को आयोजित करके कैसे हम निगम क्षेत्र के निवासियों, निगम क्षेत्र के बच्चों, निगम में जो भी जागरूक जनता जो स्वच्छता से जुड़ना चाहती है उनसे संबंधित हम गतिविधियां कर रहे हैं। जो 2 आपने नाम लिए, कल हमने जल महल की पाल पर एक श्रमदान गतिविधि का आयोजन किया था। आज हमने ताल कटोरा में श्रमदान गतिविधि आयोजित की थी, जिसमें 2 से 3 NGO जुड़े थे, साथ में हमारे निगम के कई सारे अधिकारी और सफाई कर्मी वगैरह, हमारे सफाई मित्र सब वहां थे। हेरिटेज नगर निगम के प्रत्येक वार्ड पर वार्ड इंचार्ज लगाया गया है। 100 वार्ड पर 53 अधिकारी लगाए गए हैं। अधिकतर अधिकारियों को 2 वार्ड दिए गए हैं। स्वच्छता की स्थिति के लिए सुबह समय पर सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन हो जाता है तो विजिबल क्लीननेस आना शुरू हो जाएगी। इस एक्टिविटी से कचरे का नियमानुसार कलेक्शन और निस्तारण की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ सेग्रीगेशन के लिए स्वयं सहायता समूह के लोगों को जोड़कर जन जागरूकता लाई जा रही है। इसके तहत आदर्श नगर में जागरूकता फैलाई जा रही है और सिविल लाइन में भी ये काम जल्द शुरू होने जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में सेग्रीगेशन, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी जांचने और ओपन कचरा डिपो को हटवाने के टास्क को भी पूरा करते हैं।
नेक्स्ट जो विशेष महत्व के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या स्पेशल जगह हैं जहाँ पे कि आवागमन ज़्यादा रहता है या टूरिस्ट का आवागमन ज़्यादा रहता है, उन जगहों पे हम इंटेंस क्लीनिंग के जो कार्रवाई है उसको करवा रहे हैं और ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्पेशल कैंपेन के दौरान जीरो वेस्ट इवेंट, वाटर बॉडीज क्लीनिंगनेस, नवरात्र स्थापना सेलिब्रेशन, प्लास्टिक फ्री मार्केट कैंपेन, ड्राई वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, स्ट्रीट रैली, ई वेस्ट कलेक्शन जैसी गतिविधियों के जरिए आमजन को जोड़ते हुए स्वच्छता संरक्षण में अपनी रैंक सुधारने पर काम किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को जिगाड़ी में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जाट पंचों की बैठक में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य और बेटा हूँ। अपने उद्बोधन में शेखावत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता सुनियोजित रूप से एक अफवाह पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में फैलाने का काम कर रहे हैं। जाट समाज जिसने पिछले दिनों चुनाव में मुझे एक तरफा आशीर्वाद दिया था, एक तरफ मत देकर विजयी बनाया था, हमारे बीच में षड्यंत्र पूर्वक दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। बैठक में जोधपुर के पूर्व जिला प्रमुख पूर्णाराम चौधरी भी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे सैनी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और गंगापुर सिटी सैनी समाज के जिलाध्यक्ष छोटेलाल और सीएल सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सिद्धांतों पर विश्वास व्यक्त करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक और पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर और माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराकर स्वागत किया। उसके साथ ही राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष दीपक नरुका ने भी सदस्य ली। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को राजभवन में घूमो जयपुर अभियान के सदस्यों ने मेयर डॉक्टर सौम्या के साथ मुलाकात की। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की स्मृति में अभियान से जुड़े सदस्यों ने इससे पहले राजभवन स्थित संविधान उद्यान का भ्रमण किया। उन्होंने राज्यपाल मिश्र की पहल पर बनाए गए संविधान उद्यान और संविधान संस्कृति से संबंधित वृत्त चित्र भी देखे। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रविवार को राजभवन में संविधान उद्यान में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर संविधान निर्माण के उनके महती योगदान के साथ वंचित वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए उनके कार्यों को अनुकरणीय बताया। इन्वेंट प्लस की तरफ से आयोजित हो रहे सुपर सिंगर प्लस सिंगिंग कंपटीशन के उदयपुर चैप्टर में आज ऑडिशन पूरे हुए। इस दौरान शौर्य और भक्ति की नगरी मेवाड़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी अपने गायन की प्रतिभा दिखाने पहुंचे। इसके बाद चयनित किए गए 8 प्रतिभागियों को एक बार फिर से अपनी गायकी का जादू दिखाने का मौका दिया गया और इस मंथन के बाद कुल 4 प्रतिभागी दीपू जावड़ा, हर्षिल जोशी, चितवन चांद्रयान और कोमल बारेट को सेलेक्ट किया गया। गायक शाहनवाज खान, प्रमिला शरद व्यास और ओम टांक मौजूद रहे। इन सभी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि शर्मा ने। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के उदयपुर चैप्टर के ऑडिशंस पूरे हो चुके हैं। आज सुबह से ही प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर था और सबसे बड़ी बात, जो जजेज हैं उनके लिए मुश्किल की घड़ी उस वक्त आ गई जब 3 प्रतिभागी चयनित करना उनके लिए टेढ़ी खीर हो गया। लेकिन नीली झीलों और सुरम्य वादियों के शहर से जो प्यार और जो प्रेम उन्हें मिला, उसके बाद एक राउंड और किया गया जिसमें 8 प्रतिभागी सेलेक्ट किए गए और उनमें से फिर 4 लोगों को लेक सिटी से पिंक सिटी जाने के लिए गोल्डन पास मिला है। मेरे साथ में 3 जजेज हैं और साथ ही वो प्रतिभागी हैं जिन्हें गोल्डन पास मिला है। सबसे पहले मैं प्रतिभागी जो है उन्हीं से बात कर माफ कीजिएगा जज जो है ओम जी, उनसे बात करना चाहूंगा। जज ओम जी, कैसा आपका पूरा अनुभव रहा, कितनी मुश्किलात आपने फील करी? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया प्लस का एंटरटेनमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उदयपुर से जिले के इतने बच्चों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया
और सबसे बड़ी बात, इतने टैलेंट स्टूडेंट या कैंडिडेट्स आए तो हमको उसको असमंजस वाली स्थिति होगी, किसको फर्स्ट दें किसको सेकंड दें। बिल्कुल चैलेंज बड़ा है, प्रतिभागी हैं आप, सोच के आए थे कि ये गोल्डन पास मिल जाएगा? सर सोचा तो था ही, बट बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि काफ़ी सारे जन आए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, और आगे के लिए बहुत मेहनत करनी होगी हमारे को, और क्योंकि काफ़ी टफ होने वाला है। क्या दो लाइनें कोई ऐसी जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें और उन्हें सम्मोहित और मोहित करना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से हमें ये मौका मिला है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आगे जाने की, और गोल्डन पास दो लाइन सुना दीजिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समान क्या जमाना था। थैंक यू। देखिए जमाना संगीत का है और दीवानगी संगीत के प्रेमियों में है। मेरे साथ में एक और जज हैं, प्रमिला मैम। आप बड़ी, हम लोग देख रहे थे आप बड़ी मुश्किलात में थे कि कैसे सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें, तो ये सब उलझन जो है उससे कैसे पार पाई? क्या भगवान से कुछ हेल्प मांगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से तो हेल्प मांगनी ही पड़ी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया उदयपुर ऑडिशन का इतना लाजवाब और शानदार था, हमें लग रहा था कि ये चलता ही रहे सफर, कोई हमें ये ना कहे कि फर्स्ट बताओ, क्योंकि जो आता था वो मन को मोह लेता था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सारे बच्चों ने गाया, रियाजी थे बच्चे, और सबसे बड़ी मुश्किल तब हुई कि हम फर्स्ट किसको दें, ये भी छूट रहा है ये भी छूट रहा है, तो बड़ी असमंजस में हम तीनों जनों ने मिलके काफी गुत्थम गुत्थी हुई। बिल्कुल, कहते हैं कि सच्चे को चुनने के लिए भगवान हेल्प भी करता है, और ये करना भी चाहिए ताकि डिसीजन जो है वो फेयर एंड फाइन हो। एक और जज जो है एक्स फैक्टर फेम उदयपुर के जाने माने संगीतकार भी हैं, हर फन में माहिर है, आप इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगा कि वो क्रिकेट मैच जैसी स्थिति हो गई, सुपर ओवर खेलना पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया एंटरटेनमेंट को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे बच्चों को ले जाने की एक अच्छी बात कही है कि अच्छे अच्छे सिंगर्स को मौका मिलना चाहिए। एक छोटे शहर से बड़े शहर तक का सफर, आज जयपुर जाएंगे कल मुंबई पहुंच जाएंगे, ये चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं दुविधा में आ गया कि कौन अच्छा कौन बेकार या अच्छा, गाया तो सब नहीं अच्छा है। तो कुल मिला के मैं सभी को बधाई देता हूँ, हमारे ये जो कंटेस्टेंट इन्होंने आज का ये सम्मान प्राप्त कर लिया है, इनको भी बहुत बहुत बधाई है, और आगे के लिए बेस्ट ब्लेसिंग्स हैं, विशेष हैं। बिल्कुल, खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत मुस्कुराहट आपके चेहरे की बता रही है कि खुशी छुप नहीं रही है, रात को नींद आ जाएगी आपको अच्छे से, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जब सुबह आए थे हम लोग तो ऑडिशन के लिए फॉर्म भरा और पूरा दिन हो गया, तो नींद तो अच्छी आएगी क्योंकि थकान भी हो चुकी है, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूरी टीम को, और काफी अच्छा मैनेजमेंट था और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, 75 से ऊपर प्रतिभागी थे, आपने सोचा था इन चार में आ पाएंगे? चूंकि हमारी जूरी को बड़ा असहजता हुई, तीन को ले जाना था, चार लेकर जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? लगा तो था कि जब सेलेक्ट हो रहे थे बच्चे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट लेकिन जब सुना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई। मेरी खुशी मुझे इतनी मायने नहीं रखती, खुशी मेरी मायने रखती कि मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए, और उन्हीं का सपना है, मेरा भी सपना है, पापा का भी सपना था कि मैं सिंगिंग में कुछ आगे करूं, तो बस थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए मेवाड़ भूमि जो शक्ति और भक्ति की नगरी है, यहां से मीराबाई के जो वंशज हैं मैं कहूंगा, उनमें से कुछ चार लोग जो हैं उनको सेलेक्ट किया है हमारे निर्णायकों ने, और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चारों जो प्रतिभागी हैं जो कि गोल्डन पास लेकर उदयपुर से जयपुर की ओर रवानगी लेने वाले हैं, इनका आगामी भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो पाता है। कैमरा सहयोगी अंकित के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज उदयपुर। में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सिविल लाइंस के सरकारी आवास में गृह प्रवेश को लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। दो दिवसीय गृह प्रवेश के कार्यक्रम में गहलोत ने विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए सुंदरकांड का पठन किया। इसके साथ ही दूसरे दिन भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदार और पार्टी के पदाधिकारियों सहित गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, और वो कार्यक्रम कल होगा।
जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक नव भारत अंतिम पंक्ति का उत्कर्ष का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनय सहस्रबुद्धे ने पुस्तकों का व्यक्ति के जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला, बताया कि जीवन गतिशील है, पुस्तकों का जीवन में महत्व है और सदैव रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने की, जिन्होंने कहा कि यह प्रयास डॉक्टर केशव हेडगेवार जी ने शुरू किया और आज अंत्योदय दर्शन भारत की पहचान बन चुका है। जीजाबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक संघर्ष से जूझते हुए महिला आज 33% आरक्षण तक पहुंची है और वो दिन दूर नहीं जब 50% आरक्षण से भारत की नई गाथा महिलाएं लिखेंगी। वहीं लेखिका डॉक्टर निमिषा ने पुस्तक की प्रेरणा पर प्रकाश डालते हुए परिवारजन का आभार व्यक्त किया और ग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर बिहार तेलंगाना और राजस्थान की कहानियों से अपनी पुस्तक को पूरा किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि झाबरमल जाट ने समाज और लेखन कार्य के सामंजस्य पर प्रकाश डालते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने की पैरवी की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजय पाल सिंह प्रोफेसर मनीष कुमार दुबे और सुरेंद्र मित्तल मौजूद रहे। निश्चित रूप में साध सकते हैं क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास ये कोई केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, विकास ये कोई टर्म की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि सरकार कह रही है कि भैया चलो दो गांव का विकास, ऐसा नहीं हो सकता। विकास की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी होती है और उस दृष्टि से उस सहभागिता की जो सारी प्रक्रिया है उसको आपके आकलन का विषय बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास इस किताब के माध्यम से हुआ है। अंत्योदय दर्शन पर प्रेरित मेरी पुस्तक नव भारत अंतिम पंक्ति का उत्कर्ष इसका विमोचन कार्यक्रम है। तो ये पुस्तक मैंने कुकू FM पर भी आई है। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि आज जो अंतिम व्यक्ति में जो व्यक्ति है पायदान पर, गांव तक विकास, जल, बिजली, आवास ये सब पहुँचा है, उस पहुँचने की कहानी को बयां करती ये 12 कहानियाँ जो अलग अलग राज्यों से हमने ली है। वहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बयां करती है पुस्तक है। 12 कहानियों का बहुत ही सुंदर संकलन है और ये पुस्तक मैंने अपनी बेटी स्निग्धा को समर्पित की है। स्निग्धा को सुनाते हुए ये कहानियों का संग्रह है और नए गांवों की तस्वीर बयां करेगा। गुलाबी नगरी के हेरिटेज इलाकों को रेड स्पॉट से मुक्त करने के लिए हेरिटेज नगर निगम ने आज विशेष सफाई अभियान अब 9 रेड स्पॉट्स शुरू किया, जिसमें निगम के स्वच्छता प्रहरियों ने टूरिस्ट एरिया में रेड स्पॉट की सफाई की और दीवारों पर स्पीड की धब्बों को साफ किया। ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता बनी रहे इसके लिए रेड स्पॉट पर पेंट भी कराया गया। रविवार के विशेष अभियान के तहत स्पीड की जगहों की सफाई की गई, साथ ही आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली गई। रैली में विदेशी मेहमानों ने डू नॉट स्पीड का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनिया अग्रवाल ने राहगीरों को सड़क पर नहीं थूकने के लिए समझाइश की और स्पीड कप जैसे विकल्प को अपनाने के लिए प्रेरित किया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा में एक कॉलेज छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका जयपुर में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। बीमार होने पर सुबह ही जयपुर से डूंगरपुर घर पर आई थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर के कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर रमेश मीणा ने बताया कि गोकुलपुरा निवासी जवाहर लाल परमार ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी जयपुर में रहकर पढ़ाई करती है, वो सेकेंड ईयर की छात्रा है। तबीयत खराब होने पर डूंगरपुर घर पर आई थी। घर आने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। वहीं जब परिजनों ने खाने के लिए उसके कमरे का गेट खटखटाया तो भूमिका ने गेट नहीं खोला। परिजनों को संदेह होने पर गेट तोड़ दिया गया। जब परिजन कमरे में पहुंचे तो देखा कि भूमिका स्टॉल से फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। भूमिका को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उनकी पहले से तबीयत खराब थी, कमरे में बंद थी, कमरे में सोई थी। उनके खाना खाने के लिए उसके कमरे में गए, वहाँ पता लगा कि अंदर से किवाड़ बंद था। किवाड़ बंद होने से उनको शंका हुई, उन्होंने धक्का दे करके किवाड़ तोड़ा। तोड़ने के बाद अंदर गए तो
जिसने पिस्तौल से जले में फांसी का फंदा लगा करके खिड़की का जो लोहे का छरिया है उससे लटक करके ने आत्महत्या। अलवर के रामगढ़ में बिजली विभाग के लाइनमैन का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लाइनमैन ड्यूटी पर जाने की बोलकर घर से निकला था, जिसका शव 3 दिन बाद 132 केवी जीएसएस के पीछे मिला। घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया। लाश 3 दिन पुरानी सड़ी अवस्था में मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि टोली के पास संदिग्ध अवस्था में एक लाश मिली थी, जिसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पापा शुक्रवार को ड्यूटी गए थे, फिर शाम को घर नहीं लौटे। जब हमने ढूंढा था खूब, जब वो 132 जैसे उसके पीछे सर्दी का अवस्था। सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी पे कार्य पे गए थे, बिजली विभाग में कार्य कर रहे थे, और शाम को 5 बजे उधर से छुट्टी होकर हमको वापसी घर ही नहीं लौटे। हमने दोबारा इसको ढूंढा तो हमें नहीं मिला, और आज शनिवार है, शुक्रवार संडे को आज हमें ये लावारिस अवस्था में जो 132 पावर हाउस है उसके पीछे मिला है। धौलपुर के बाड़ी में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दमदम मोहल्ले में बीती रात को चोरों ने घर के अंदर से बाइक चुराई और फरार हो गए। चोरी का पूरा वाक्या सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। चोरी के घटना को लेकर पीड़ित शुभम मित्तल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। प्रदेश भर के अस्पतालों में होम्योपैथी को भी बढ़ावा मिले, इसको लेकर अब होम्योपैथी डॉक्टर सरकार से मांग करते हुए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगी। कोटा में राजस्थान भर के होम्योपैथी डॉक्टर एकत्रित हुए। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हाहेमन की जन्म जयंती के मौके पर होम्योपैथी डॉक्टर एकत्रित हुए। होम्योपैथी डॉक्टर्स ने होम्योपैथी पर हो रही विभिन्न रिसर्च और टॉपिक पर चर्चा की। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हाहेमन याद किए। होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में होम्योपैथी को बढ़ावा नहीं मिलने से नई पीढ़ी होम्योपैथी से दूर हो रही है और होम्योपैथी रिसर्च का काम कम हो रहा है, जबकि होम्योपैथी भी कई बीमारियों में अपनी बेहतरीन रिजल्ट देती है। डॉक्टर ने मांग किया कि राजस्थान सरकार अस्पतालों में होम्योपैथी डॉक्टर की संख्या बढ़ाए। एक होकर आज के बाद ये नियम बना रहे हैं कि सब लोग एक साथ खड़े होकर होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम से कदम मिलाएं, और राज्य सरकार से होम्योपैथिक जितने भी चिकित्सालय हैं उनमें डॉक्टर लगाएं, और इतने लगाएं कि होम्योपैथी में स्टूडेंट जाने लगे। हमारे यहाँ अभी स्टूडेंट कम जा रहे हैं, वो इसलिए कम जा रहे हैं कि रोजगार नहीं है रास्ता। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह की समझाइश के बाद एक सप्ताह से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल रविवार शाम को समाप्त हो गई। सिंह ने व्यापक जनहित एवं निलंबित रेजिडेंट चिकित्सकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों के साथ समझाइश की। इसके बाद रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए। हालांकि हड़ताल जारी रखने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर प्रभु रामलला के दरबार में अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। करीब 351 साल के इतिहास में पहली बार रामलला को राजसमंद के नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की हवेली में बनने वाले महाप्रसाद का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के गोस्वामी परिवार के युवराज विशाल बाबा ने मंदिर से महाप्रसाद को ट्रक में रखकर परंपरा अनुसार रथ की पूजा अर्चना का रवाना किया। महाप्रसाद नाथ द्वारा से भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा, जतिपुरा, लखनऊ होते हुए रामनवमी के एक दिन पहले अयोध्या पहुंचेगा, जहां रामनवमी पर प्रभु रामलला को 1,01,000 मटड़ी का भोग लगाया जाएगा। महाप्रसाद की महायात्रा के दौरान प्रभु श्रीनाथ जी को धराया महाप्रसाद को वितरण किया जाएगा। श्रीनाथ जी की हवेली में विधि विधान से पूजा का प्रसाद अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मंदिर कर्मचारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। जो हो भाग्य से प्रभु का महाप्रसाद जो जगत विख्यात है, और नाथद्वारा में खाजा प्रमुख है,
जिसकी खांड प्रभु को अति प्रिय है, वो प्रभु का महाप्रसाद एक लक्ष खाजा नाथ द्वारा से लगा करके अयोध्या तक, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम की नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी तक वितरित हो। बाड़मेर की पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ और हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद बाड़मेर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्र में 1 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल की। DST और गुड़ामालानी थाना में मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों के कब्जे से 15 किलो 782 ग्राम अफीम, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की। आरोपी धोरीमन्ना थाना में वांटेड था, जो 5,000 का इनामी बदमाश है। इसके साथ ही ग्रामीण थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 36 ग्राम अफीम का दूध और 2 किलो 839 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। वहीं सेवड़ा थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए अवैध 2 किलो 530 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सदर थाना पुलिस ने भी विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर के कब्जे से 6 ग्राम MG बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसमें रमेश कुमार कांस्टेबल एक DST का उसको सूचना मिली थी, उसके कब्जे से मका 15 किलो 782 ग्राम अफीम, 1 पिस्टल व 4 कारतूस मिले हैं। उक्त अपराधी जो ये है, पूर्व में भी जो अभियोग 257/2023 पुलिस थाना धोरीमन्ना में वांटेड था और 5,000 रुपये का इनामी बदमाश। डूंगरपुर के 84 थाना पुलिस और FST ने लोकसभा चुनाव के तहत की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक कार से नकदी बरामद की है। पुलिस ने एक कार से 2,80,000 रुपये, 500 रुपये की नकदी बरामद की। वहीं कार चालक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 जनों से 200 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की। जंक्शन थाना के जांच अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि पुलिस ने बलवीर सिंह और रविंद्र सिंह से 200 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। मामले की जांच टाउन थाना की सब इंस्पेक्टर ज्योति को सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान अगस्त पुलिस थाना जंक्शन से 2 आरोपियों को बलवीर सिंह और बल्ली व रविंद्र सिंह और काका से 200 ग्राम अवैध मादक चिट्टा बरामद किया दौरान अगस्त। कोटा के कुनाड़ी इलाके में हॉस्टल में भीषण आग के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर हॉस्टल्स पर कार्रवाई की गई। जिस हॉस्टल में आग लगी थी उसको नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने सीज कर दिया। हॉस्टल में ना तो फायर उपकरण मौजूद थे और ना ही फायर डिपार्टमेंट से NOC ले रखी थी। हॉस्टल में हड़कंप मच गया और एक स्टूडेंट ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई। अन्य स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल से बाहर निकालते वक्त वो चोटिल हो गए। पुलिस नियंत्रण कक्ष है और हमारे सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण विहार स्थित एक हॉस्टल में आग लग गई। आग सूचना प्राप्त होते सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से चिन्हापुर से भावाचा मंडी रानपुर सभी फायर स्टेशन पर से मौके के लिए गाड़ी रवाना की। पहली गाड़ी आई तो बताया कि आग बहुत ज़्यादा बच्चे ऊपर फते हुए सूचना प्राप्त होते ही मेरे को यहाँ मौके पहुँचा और सभी फायर ऑफिसर अधीक्षक फायर ऑफिसर साइड पर आए और यहाँ आके देखा तो हमने हमारे आने के लिए एक बच्चे ने किया था उसके फ्रैक्चर हुए। हमने यहाँ लेडर की सहायता से फायर फाइटिंग करके डाउन डोर पर आग लगी थी उसको एस्टिब्लिश करने के बाद अभी स्मोक कम हुआ तो हमने जो मेन स्टेज है वहीं से उनको निकाल लिया है। सिरोही से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक का शव पड़ा हुआ है हाईवे पर और बारी घाटे के पास ये घटना घटी है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बारां की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में चोर ने चोरी की वारदात कबूल की है। 12 अप्रैल को घर से 18 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 2.5 लाख नकदी लेकर फरार हो गया था। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया था।
परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया, जिसने चोरी की वारदात करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है। के जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगाला गया तो तुरंत ही एक संदिग्ध व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ एक गुलिया उसका सामने आया जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। शहरवासियों ने भी इसमें मदद की, उन्होंने पहचानने में इसकी हमारी इमदाद करी कि ये अमुक व्यक्ति हो सकता है, उसकी पहचान संदिग्ध बेग के रूप में पुलिस ने की। श्रीकरणपुर में बीच बायला गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को बीच बायला और धमुड़वाली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 9 घायलों को गंगानगर रेफर किया गया। सीओ संजीव चौहान अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम जानते नजर आए, हालांकि हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सूरतगढ़ में अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव जानकीदास वाला में 2 कारों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक कार में आग लग गई। सूचना पर सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि एक कार में महिला, पुरुष और एक बच्ची सवार थी, जिसमें बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी कार में करीब 7 से 8 लोग सवार थे, जिन्हें सूरतगढ़ के अपेक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में तेज रफ्तार निजी बस पलट गई, हादसे में बस खलासी और 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सभी घायलों को सज्जनगढ़ सीएससी में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बस सूरत से बांसवाड़ा की तरफ जा रही थी, तभी सज्जनगढ़ के पास हादसा हो गया। यात्री दलेश ने बताया कि हादसा बस की ओवर स्पीड के कारण हुआ। ट्रेवल्स की कोई बस थी, जिसका सज्जनगढ़ सीएससी पे से फोन आया था कि 18 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें से 12 महात्मा गांधी चिकित्सालय में आए थे, जिसमें से एक पेशेंट गंभीर था, उसको रेफर कर रहे हैं उदयपुर के लिए, बाकी लोग सब स्टेबल हैं और उनका इलाज जारी है। बाड़मेर में बाइक डंपर की चपेट में आ गई, हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। शिव थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शिव अस्पताल मोर्चे में रखवा दिया है। घटनास्थल से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त किया गया। मृतक मनफूल सिंह और श्रवण सिंह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को सीएससी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जैसलमेर के भणियाणा से खबर है। भणियाणा में रुक रुक कर बारिश का दौर और क्षेत्र के अधिकतर गांव में देर रात जमकर बारिश हुई। आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही तेज गर्जना के साथ रात भर बारिश हुई। अल सुबह से फिर से छाए हुए हैं काले घने बादल और क्षेत्र में मौसम खुशनुमा हो गया है। लगातार क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी तेज गर्जना के साथ जिले में बारिश की संभावना जताई। इस दौरान ऊंच पर्दा, मेड़वा, मेघरी खसर, पनासर, भाकरी, रातड़िया, इंदिरानगर में तूफानी बारिश के समाचार मिल रहे हैं। अलंग क्षेत्र के किसी भी प्रकार के नुकसान के समाचार कहीं से नहीं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम तंत्र में आए बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ शुरू हुई तेज बारिश ने लोहाट में भारी कहर बरपाया। तूफानी हवाओं के साथ शुरू हुई तेज बारिश ने करीब 45 मिनट तक लोहावट क्षेत्र में कहर बरपाया। किसानों द्वारा खेतों में काट कर रखी गई फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तूफानी बारिश के चलते कई जगह टीन और शेड भी उड़ गए तो पेड़ धराशाही होते नजर आए। जोधपुर डिस्कॉम को भी लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाओं के चलते रूपाणा, जैताणा और रामू की धाणी सहित कई क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिजली के पोल और ट्रांसफॉर्मर गिरने की सूचना मिली और इसके चलते डिस्कॉम के 4 गांव चिला, दयाकोर, टेरियों की धाणी और पश्चिमी धाणी में बनी 33 और 11 की चारों जीएसएस ठप हो गए। दौसा के निहालपुरा में बाबा रामदेव मंदिर पर भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने शिरकत की। आयोजन समिति के शिवचरण मेहरा ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इसके मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। की जयंती पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे जो अधूरे रह गए, निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी और सब मिलकर उनके पत्तियों पर चलकर और समाज का उत्थान करते हुए शिक्षित बने, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े और राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़े, यही संदेश दे। संविधान वेत्ता जिसका संविधान बनाया गया, क्या क्या अपमान कांग्रेस ने किया, या आपने संसद से प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है, उनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ST SC के लोगों के बीच में कि अगर मोदी की सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, वो भ्रम को आज हमने यहाँ क्लियर किया है संसद के भाषण के जरिए, हमारे भाषणों के जरिए और माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया उसके जरिए। और मेरे को भरोसा है कि ST SC के लोग किसी कुप्रचार और किसी बहकावे में नहीं आएंगे। चुरू सालासर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक ने से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रक और कार में आग लग गई। आग से कार सवार दंपत्ति और उसकी दो बेटियां समेत 7 लोग जिंदा चल गए। हादसा सीकर के फतेहपुर में रविवार दोपहर 2:30 बजे हुआ। कार में गैस किट लगा हुआ था और ट्रक में मेडिकल कॉटन भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक हादसा आशीर्वाद पुलिया पर चढ़ते 200 मीटर पर हुआ। आगे चलकर ट्रक से कार पीछे से टकरा गई और कार सवार परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। फतेहपुर कोतवाली SHO सुभाष बिजरानिया ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फतेहपुर रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। मुझे आशीर्वाद बोलिया पे एक ट्रक के पीछे से सेंट्रा गाड़ी जो यूपी नंबरों की है वो पीछे से घुसी, घुसते उसमें आग लग गई। उसमें जली हुई अवस्था में 6 डेथ बोलिया मिली हैं जिनमें 2 बच्चे भी। तो पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया और इसे बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, डॉक्टर राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। पार्टी अध्यक्ष नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए धारा 370 महिला आरक्षण का जिक्र किया जिसे पूरा कर दिया। मोदी ने 2024 की गारंटी यानी वादे गिनाई। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, 3 करोड़ लोगों को मकान, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।